जो भी छोटे व्यापारी होते हैं, स्मॉल और मीडियम बिजनेस चलाने वाले लोग होते हैं, वो ही इस देश को रोजगार देते हैं। ये जो 2-3 अरबपति है ना, हाँ, ये रोजगार नहीं देते हैं। रोजगार लाखों छोटे बिजनेस देते हैं। इन्होंने क्या किया, इन दो हथियारों से ये जो रोजगार की रीढ़ की हड्डी थी इसको तोड़ दिया। और नतीजा क्या है, नतीजा है कि मैं कन्याकुमारी से यहां तक आया हूं और यहां पे जो भी युवा मुझे मिलता है वो कहता है भैया मैं बेरोजगार हूं, मुझे रोजगार नहीं मिला। कहते हैं मैं इंजीनियरिंग पढ़ी मैंने, मुझे मजदूरी करनी पड़ रही है। डॉक्टर बनना चाहता था, कोई आर्मी में जाना चाहता था, सब रास्ते नरेंद्र मोदी जी ने बंद कर दिए। पहले क्या होता था, आर्मी में कितने साल के लिए जाते थे लोग, पंद्रह साल जाते थे, जॉब सिक्योरिटी मिलती थी, पूरी जिंदगी वो देश की रक्षा करते थे। उनकी ट्रेनिंग 15 साल की ट्रेनिंग होती थी। अब नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा, देश के युवाओं को कहा भैया एक काम करो, 6 महीने की ट्रेनिंग लो और 4 साल आर्मी में काम करो, अग्निवीर हो जाओ और उसके बाद हमेशा के लिए बेरोजगार हो जाओ। अब देखिए युवा के दिल में भावना है, देश की रक्षा की भावना है और आप उससे कह रहे हो कि 6 महीने ट्रेनिंग करो, 4 साल आर्मी में जाओ और फिर अपनी पूरी जिंदगी बेरोजगारी में काटो। और फिर कहते हैं भाई हम तो देशभक्त हैं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, चाइना का सैनिक जो है वो 4 साल का अग्निवीर नहीं है, उसकी ट्रेनिंग 10-15-20 साल की है और हमारे जवान को आप 4 साल की 6 महीने की ट्रेनिंग दे रहे हो। जब लड़ाई होगी उस साइड 10-15 साल की ट्रेनिंग और इस साइड 6 महीने की ट्रेनिंग, कैसी देशभक्ति है ये? इसका नतीजा आप सब समझ जाओ। तो जो भावना है हमारे युवाओं के दिल में, जो भावना है देशभक्ति की भावना है, उसका मजाक उड़ा रहे हैं, उसका अपमान कर रहे हैं और नाम अग्निवीर दे दिया। पहले क्या होता था, जो गरीब लोग थे, पिछड़े लोग थे, दलित आदिवासी, उनके लिए रोजगार का एक और रास्ता था जिसको हम पब्लिक सेक्टर कहते हैं, BHEL, HAL, हिंदुस्तान रेलवेज, ये सब रोजगार के रास्ते थे। अब नरेंद्र मोदी जी की सरकार क्या कर रही है, इन सब को उन्हीं 2-3 लोगों के हवाले कर रही है। रेलवे को प्राइवेटाइज कर रहे हैं, BHEL को प्राइवेटाइज कर रहे हैं, तेल की कंपनी को प्राइवेटाइज कर रहे हैं, तो वो भी रास्ता बंद कर दिया। एक तरफ बेरोजगारी, दूसरी तरफ महंगाई, पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, गैस के दाम बढ़ रहे हैं, किसान को सही दाम नहीं मिलता, बेरोजगारी फैल रही है और पूरा का पूरा फायदा 2-3 उद्योगपतियों को, उन्हें जो भी चाहिए मिल जाता है। भाई भाइयों और बहनों, किसान
50,000 रुपए का लोन लेने में मर जाता है। किसान को नहीं मिलता, इनको लाखों करोड़ रुपए का मिल जाता है। किसान का ये एक रुपया कर्जा माफ नहीं करते, उनका ये लाखों करोड़ रुपए कर्जा माफ कर देते हैं। इसलिए हमने ये यात्रा शुरू की है।